नमस्कार, ऐसे में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ नैन्सी यादव जी हैं जो MBBS की पढ़ाई कर रही हैं और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं MBBS के जिनको कॉलेज के अंदर होना चाहिए, वो आज रोडों पे क्यों आए हुए हैं नैन्सी? सर, हम वर्ल्ड कॉलेज झज्जर हरियाणा से आए हुए हैं, मेडिकल स्टूडेंट। हमें उधर तकरीबन 3.5 साल हो चुके हैं लेकिन अभी भी हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिली है, जिसके लिए हमने हरियाणा में ACS झा को CM विंडो पे और हाई कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, उधर हमने गुहार लगाई कि हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, लेकिन वहाँ पर अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। इसलिए हम आज जंतर मंतर पर साइलेंट प्रोटेस्ट करने आए हैं कि हमें मर्सी किलिंग अलाउ की जाए ताकि हम शांति से मर तो सके। मर्सिंग क्लिंग क्या होती है? मैं आपको बता दूं कि मर्सिंग क्लिंग होती है कि अपनी इच्छा से खुद को मारना होता है, मर्सिंग क्लिंग बोलते हैं। और मैं बोलूंगा कैमरामैन से, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनको दिखाएं जो शांतिपूर्ण तरीके से हैं, अपने मुंह के ऊपर बैंड बांध के बैठे हुए हैं। उनकी हम सबका यही विचार, या तो दे डिग्री या मरने का अधिकार। तो अपनी मांगों को लेके यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं। और आगे आपका क्या रहेगा, मतलब जो आपने बोला कि आपके जो है अच्छे से एजुकेशन नहीं हो पा रही, किस तरीके की एजुकेशन आप बोलना चाह रहे हैं? सर, हमें जो भी MBBS स्टूडेंट होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि पेशेंट हो, डॉक्टर्स हो, टीचर्स हो, लेकिन हमारे कॉलेज में ये कोई भी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड नहीं की गई है। इनफैक्ट वहाँ पर जो इक्विपमेंट्स वगैरह होने चाहिए वे भी नहीं है जी। तो हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल रही है जी। इसके लिए हमने कंप्लेंट्स किए हैं लेकिन अभी कोई जवाब नहीं आ रहा है, इसीलिए हम मर्सी किलिंग की परमिशन के लिए आए हैं। तो ये कि आपके जो नेतृत्व कर रहे हैं, कौन लोग कर रहे हैं प्रोटेस्ट करने का? इधर हम जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, हम ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी। कितने स्टूडेंट्स आए हुए हैं यहाँ पर? यहाँ पर अभी 70 स्टूडेंट ही आ पाए हैं, लेकिन जो टोटल जिन्होंने केस किया हुआ है वो 124 स्टूडेंट्स हैं। आपकी मांगों को नहीं माना जाएगा तो आगामी योजना क्या रहेगी आपकी नैन्सी? सर, अभी तक तो हमारी कोई भी मांगों को माना नहीं गया है, लेकिन अभी कम से कम हम मर्सी किलिंग के लिए परमिशन मांग रहे हैं तो हमें वही परमिशन मिल जाए, लेकिन अगर उसको फॉलो मतलब हमें अलाउ नहीं किया गया तो आगे हम और कोई कदम उठाने जो हम कर सकते हैं वो करना चाहेंगे। क्या होगा इस देश का भविष्य अगर डॉक्टर ही अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा, तो कहाँ इलाज कर पाएगा पेशेंट का? और ये स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने पैसा भी दिया हुआ है और उनको अच्छी शिक्षा भी नहीं मिल पा रही है, उसके लिए ये लोग जंतर मंतर पर आए हुए हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।